सेकेंड मेधा सूची 2/11 मतलब 2 नवंबर को जारी किया जाएगा। कितना मार्क्स पर, मैं आपको संपूर्ण जानकारी यहां पर देने वाला हूं। बहुत सारे मेरे पास अपडेट है जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है ना। इसमें एक एक नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। फ्रेंड्स, आप सभी को मैं बता दूँ कि भारी मात्रा में सीटों की संख्या जो है अभी तक भरी नहीं है। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल द्वारा समझ लीजिए कि यहाँ पर देवनारायण पंडित ने बताया कि जिले में किस जिले में है वो भी मैं बताऊंगा कि 41-71 शिक्षकों की काउंसलिंग की जिम्मा मिली थी, जिसमें से 3700 शिक्षक ही अब तक काउंसलिंग करवाया है। मतलब आज का ये अपडेट है। अब जो है कल 31 अक्टूबर तक जो है कितने स्टूडेंट करवाएंगे। मान लीजिए कि अभी तक तो करवा लिए होते जिनका भी करवाना रहता, लेकिन वैसे जो मतलब नियोजित शिक्षक है वे लोग नहीं चाह रहे हैं कि हम जो है यहाँ पर करवाए, या कुछ जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स वाले होंगे वो डर के मारे नहीं आए होंगे, या सीटें डिस्क्वालीफाइड होंगे वो नहीं आए होंगे। मतलब बहुत ऐसा रीज़न हो सकता है। तो ये सिर्फ एक जिला का है। अब समझ लीजिए कि 38 जिला का अगर मिलाया जाए तो बहुत ही भारी मात्रा में सीटों की संख्या में कमी देखने को मिल रही है। तो इस कंडीशन में सेकेंड मेरिट लिस्ट में किनका किनका होने का उम्मीद है, किनका किनका चांस है, कब आने वाली है, मैं आपको यहाँ पर संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। तो आप सभी से मुझे यही एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, ठीक है ना, नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे दिए हुए लाल बटन पर क्लिक कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, आप मेरे चैनल का एक परिवार का हिस्सा बन जाइएगा। और साथ ही साथ आप जो भी कॉमेंट करेंगे तो मैं आपका कॉमेंट को देख पाऊँगा, ठीक है। तो आप इससे पहले क्या करना होगा, आपको सब्सक्राइब करना होगा। तो इतना चीज़ आप कर लीजिए, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं जो है यहाँ पर एक एक चीज़ को देखने वाला हूँ, बारीकी से समझने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर बीपीएससी से बड़ी खबर यही है कि 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र मिलने जा रही है, ठीक है ना। 2 नवंबर को बाद 3 नवंबर आएगी, 3 नवंबर को मतलब 2 नवंबर को 25,000 का टोटल का नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो भी बच्चे बच जाएंगे 3 नवंबर को वो अपना नियुक्ति पत्र ले लेंगे, 4 तारीख से उनको नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद में नियुक्ति पत्र मिलने के बाद में जो भी सीट वैकेंट रह जाएगी, जैसा कि मैंने अभी बताया एक जिले का एग्जाम्पल लिया, लगभग 400 स्टूडेंट वहाँ पर काउंसलिंग नहीं करवाए, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में जो भी हर एक जिले को अगर मिला कर देखा जाए तो 400, अगर 38 में 400 से गुना करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, बहुत ही बड़ी मात्रा में 4×12, ठीक है ना। मतलब आप 12-13 हज़ार स्टूडेंट ऐसे होंगे जो यहाँ पर काउंसलिंग के लिए नहीं गए हैं, ठीक है ना। 12-13 हज़ार ऐसे स्टूडेंट को जो काउंसलिंग के लिए नहीं गए हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट्स पाए गए हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि उनका जो है उनके जगह पर सेकेंड मेरिट लिस्ट आने के चांसेस है। और यहाँ पर वेटिंग लिस्ट वाले सभी तैयार रहिएगा, क्यों, क्योंकि मेरिट में एक नंबर इंपॉर्टेंट रखता है जी फ्रेंड्स। एक नंबर पर हज़ारों स्टूडेंट रहते हैं, हज़ारों नहीं कहोगे तो 500 से 700 तो ज़रूर स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे। जैसे कि 50 नंबर है तो 50 नंबर पर बहुत सारे स्टूडेंट आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर डिपेंड करेगा कैटेगरीज वाइज मतलब वैकेंट रहने का, कैटेगरीज में किस कैटेगरी में कितनी सीटें खाली रह गई है। अगर मान लीजिए कि बीसी में एक भी सीट खाली नहीं देखने को मिलती है तो बीसी में तो एक भी मार्क्स जो है डाउन नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, खाली हर कैटेगरी में देखने को मिलेगी। हर कैटेगरी में ज़रूर है कि डॉक्यूमेंट्स फर्जी वाले पाए गए होंगे, और साथ ही साथ वहाँ पर जो है काउंसलिंग के नहीं आए होंगे, या नियोजित शिक्षक होंगे, या एक से अधिक सीटों पर बहाल हुए होंगे, उनका रिजल्ट आया हुआ होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, अब जो बहुत सारे स्टूडेंट भ्रमित हो रहे थे कि सेकेंड मेरिट लिस्ट नहीं आएगी, तो सेकेंड मेरिट लिस्ट बिल्कुल आएगी, क्योंकि यहाँ पर सभी, यहाँ पर आयोग ने यह क्लियर किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आयोग सभी वर्गों की प्रतीक्षा सूची भी तैयार करेंगे। बट यहाँ पर समय पर रिजल्ट कर आयोग ने रचा इतिहास, ये तो ठीक है। अब फर्जीवाड़ा करने वाला अभ्यर्थियों का कामयाबी नहीं मिलेगी। अब साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट अभी जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने नहीं गए या फर्जीवाड़ा पकड़े गए हैं, उनको अब कारण देना पड़ रहा है। तो इस कंडीशन में सभी स्टूडेंट जो भी फर्जीवाड़ा थे वो डर चुके हैं। डरना क्या है, इसमें रियली है, ठीक है ना। जो फर्जीवाड़ा होंगे उनको तो छटना ही है किसी भी हाल में, या आज नहीं तो कल, मतलब 2 दिन बाद, या 1 महीना बाद, या 2 महीना बाद, या 3 महीना बाद उनको हटना ही है, ये तो फिक्स है, ठीक है ना। तो प्राथमिक शिक्षक में बीएड के आधार पर भी आया था रिजल्ट, जिसको अमान्य कर दिया गया, उनको काउंसलिंग से लौटा दिया गया, उनको काउंसलिंग से क्या किया कर दिया गया, लौटा दिया गया। अध्यक्ष बोले 10,000 से अधिक दस्तावेज सत्यापन में छट चुके हैं। तो आप समझ सकते हो, मैंने जो आंकड़ा दिखाया है, कम से कम 12-13 हज़ार 15 हज़ार ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सीट यहाँ पर सीटें खाली है। कुछ बीट अभ्यर्थियों के कक्षा 1 से 5 में शिक्षकों पद के लिए सफल घोषित कैसे किया गया, तो कक्षा 1 से 5 में सफल अभ्यर्थियों की संख्या जो है 10,000 वैसे बीएड अभ्यर्थी थे जो डीएलएड भी थे, लेकिन वो हो सकता है कि डीएलएड पर ऐसे ही क्लिक कर दिए होंगे, उनके पास डीएलएड का सर्टिफिकेट नहीं हो। अगर मान लो जो कि 5,000 भी स्टूडेंट ऐसे मिलते हैं तो 5,000 बहुत ही बड़ी मायने रखते हैं यहाँ पर, ठीक है।
तो और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सीटेट में असफल होंगे, ठीक है ना। तो जिसके भी सीटेट में असफल होंगे उनको अयोग्य घोषित कर दिया जा रहा है, तो यहाँ भी सीटें खाली हैं। तो यही सब सीट जो है फ्रेंड्स आपको वेटिंग लिस्ट में आएगी, ठीक है ना। मतलब जो ये बॉर्डर लाइन पर होंगे या एक दो नंबर कम होंगे उनको यहाँ पर मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर क्लियर किया है यहाँ पर कि वेटिंग लिस्ट नहीं आएगा, वेटिंग लिस्ट के जगह पर सेकेंड मेधा सूची जारी किया जाएगा, सेकेंड मेरिट लिस्ट आया जाएगा। अभी जो रिजल्ट आया है ये सभी जो है अपवादिक तरीक़ा से है, कोई भी ये फाइनल नहीं है कि इनका हो ही गया है। तो उसके जगह पर वेटिंग लिस्ट तैयार कर मेधा सूची भी जारी होगा। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि सत्यापन के दौरान सभी दस्तावेज और प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में उनका परिणाम जो है रद्द कर दिया जाएगा, उनके स्थान पर वेटिंग लिस्ट बनाई जाएगी और उन लोगों का मौका मिलेगा। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि 15 तारीख तक जो है देखिएगा प्रतीक्षा सूची निकालने के बाद, उसका परिणाम निकालने के बाद जो भी नियुक्ति प्रक्रिया का अंतिम तिथि जो होगा अब 15 तारीख तक हो गया। इसका मतलब यहाँ पर हो गया कि 2 तारीख को जो है नियुक्ति पद देना है, 3 तारीख को बचे हुए के नियुक्ति पद देना है, 4 तारीख को आपको सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा, फिर 4 तारीख वालों को काउंसलिंग कराया जाएगा, उसके बाद में ये 15 तारीख तक प्रक्रिया चलने वाली है, ठीक है ना। 15 तारीख तक जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट सभी को निकाल कर क्लियर कर दिया जाएगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छठ पूजा के बाद जो है एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपको पोस्टिंग मिलने वाली है, जिस भी स्कूल में आप जिस भी रैंक के अनुसार जो है स्कूल में आपको आवंटन किया जाएगा, उसके बाद में पोस्टिंग मिलेगा। तो 15 तारीख तक जो है यही सब कार्य करनी है। ये सब कार्य कंप्लीट होने के बाद में जितने भी स्टूडेंट सेलेक्टेड होंगे ओरिजिनल स्टूडेंट, उन सभी को जो है यहाँ पर 15 तारीख के बाद मतलब छठ पूजा के बाद जो है एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप सभी को नियुक्ति प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो कि जैसा कि मैंने अभी बताया कि नवंबर के पहले सप्ताह में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होने की संभावना है, वो बिल्कुल ही सही है। यहाँ पर आपको 4 या 5 नवंबर को देखने को मिलेगी। डीवी के बाद में भारी संख्या में सीटें खाली रहेगी, ये तो बिल्कुल है 100% है। बीपीएससी मेरिट लिस्ट के आधार पर जारी करेगा रिजल्ट, जिन विषयों में नहीं होंगे पूरे अभ्यर्थी उसी का जारी होगा रिजल्ट। कट ऑफ पार अभ्यर्थी रहे तैयार, मतलब वेटिंग वाले जितने भी स्टूडेंट बचे हुए जो इंतजार कर रहे हैं, जो कट ऑफ के क्वालिफाइड, जो बीपीएससी कट ऑफ क्वालिफाइड है, वे आप सभी तैयार रहिए। अब कट ऑफ कितनी डाउन जा सकती है ये किसी को कहना मुश्किल है, ठीक है ना। तो वे आप ये डिपेंड करता है सीटों की संख्या पर कि कितने सीटों की संख्या जो है खाली रह चुकी है, इसके ऊपर में डिपेंड करता है कि कितने कम कट ऑफ जाने के चांसेस है। हाँ, 1 नंबर 2 नंबर या बॉर्डर लाइन पर जो भी स्टूडेंट हैं उनको तो फिक्स है कि हो जाएगा, क्योंकि भारी मात्रा में यहाँ पर डीवी में बच्चे छठे हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट्स वाले पाए गए हैं और साथ ही साथ बीएड वाले पाए गए हुए हैं। तो इसके लिए आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। इतना अपडेट था।